की कहानियाँ किताबों में बहुत पढ़ी होगी, टीवी में देखी भी होगी, दादी नानी की कहानियों में भी सुनी होगी, लेकिन आज एक दिलचस्प जगह की मैं बात बताने वाली हूँ, उसकी कहानियाँ आपसे साझा करने वाली हूँ। लेकिन झारखंड के पलामू के हैदरनगर में भूतों की जो हरकतें, उनकी जो कहानियां हैं वो वास्तविक दिखाई पड़ती है। आप देख के आश्चर्य में पड़ जाएंगे, क्योंकि हैदर नगर में जो भूत हैं, कथित भूत, वो नाचते हैं, गाते हैं, यहाँ तक कि लोगों को दिखाई भी पड़ते हैं। झारखंड के पलामू जिले में पिछले 100 वर्षों से जो हैदर नगर है वहाँ पे लगता आ रहा है भूतों का मेला। ये मेला सुनने में कहीं अजीब सा, पटांग सा लगता है कि आखिर भूतों का मेला, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। हैदर नगर पलामू के डाल्टनगंज के से लगभग 90 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। इस धाम को शक्ति पीठ के रूप में भी जाना जाता है। जिस किसी पे भी भूतों का साया रहता है, कथित भूत का, चाहे वो बच्चे हो, बुजुर्ग हो, स्त्री हो, पुरुष हो, वो वहाँ पे इस कथित भूतों से छुटकारा पाने के लिए आते हैं। इस स्थान पे पूरे भारत से लोग आते हैं, भारत के हर कोने से लोग आते हैं और अपने कष्टों से निवारण पाते हैं। हैदरनगर में साल में 2 बार चैती नवरात्र और शारदीय नवरात्र में भारी संख्या में लोगों का हुजूम पहुंचता है। नवरात्रि के प्रथम दिन से नवरात्रि की नौमी तक लोग भारी संख्या में आते हैं, और खास करके ज़्यादातर वही लोग आते हैं जिन पे भूतों का साया होता है। हैदरनगर की जिस जगह पे भूत मेला लगता है वहाँ पे देवी का एक विशालकाय मंदिर है, और उस मंदिर के पास ही एक जिन बाबा की मजार है, और लोगों का ये मानना है कि इसी कारण से वहाँ जो भूत है उनसे जल्दी निजात मिल जाता है। इस भूत मेले में दूर दूर से आकर बहुत से लोग ओझा गुनी और डायन की सिद्धि प्राप्त करते हैं। नवरात्रि के समय यहाँ पर भीड़ इतनी होती है कि काफ़ी सते हैं और साड़ियों और चद्दर से तंबू बना करके वहाँ पे रहते हैं। उस मंदिर परिसर के अंदर एक अग्निकुंड स्थापित है, और जिन लोगों पे भूतों का साया रहता है वो उस मंदिर परिसर के अंदर उस अग्निकुंड के पास नाचते गाते झूमने लग जाते हैं। हैदरनगर का दृश्य बड़ा भयवान होता है, वो मंजर जब लोग इस तरह की हरकतें करते हैं। देखने की बात यह है कि वहाँ लोगों का जो हुजूम है वो हर दिन हज़ारों की संख्या में आता है, और प्रशासन अगर बात करूँ कि कानून में कहीं भी भूत प्रेत इन सभी चीज़ों का जिक्र भी नहीं होता है, और प्रशासन उस मेले में पहरा देती है ताकि मेले में कुछ भी गड़बड़ी ना हो जाए। ये भी एक आश्चर्य की बात है, क्योंकि कानून व्यवस्था में जहाँ जिक्र नहीं है भूत प्रेत का, वहाँ पे एक ऐसा मेला हैदरनगर में जिसमें प्रशासन खुद तैनात रहती है। उस स्थान पे लोगों के शरीर के अंदर छुपी हुई आत्मा अनेकों प्रकार के कर्तव्य दिखाती है, जिसे देख करके लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं और दृश्य भी काफ़ी भयंकर लगता है। और वहाँ जाने के बाद उन्हें भूतों से छुटकारा भी मिल जाता है, ऐसा वहाँ जाने वाले लोगों का कहना है।
से देखिए जो शंका समाधान करने के लिए, समझ गए, मैं 25 साल से आ रहा 30 साल से जो भलाई हो जा रहा है, झूठ झूठ चाहे सांस भलाई हो जा रहा है, मैं किसे आया हूँ और जो कितने दूर दूर से यहाँ लोग आते हैं, कैसे इलाज? देखिए हमारा हमारा जो है 3 जिला गए हैं, रोहिदास जिला MP से, मध्य प्रदेश से, चंद्रौली से, गया जिला से भी आए हैं। शंका जिसे हम किस रूप में शंका को आप देखते हैं, शंका तो क्या इलाज है इसका? इलाज यह है कि अपना शंका समाधान करके अपना अपने भ्रम जो है निकाल देते हैं। एक तरह से प्रेत बाधा हो है कुछ है क्या? प्रेत 4 जूनी में 1 जूनी प्रेत जूनी है, इसे अकाल मृत्यु मरते हैं, सांप का टमक रहते हैं, समझ गए, पानी में डूब के मरते हैं, वो प्रेत जूनी होते हैं। तो कैसे इनका इलाज, कैसे इस प्रेत बाधा को दूर किया जाता है? इसे हवन से होता है, देवी दरबार में आते हैं, दर्शन कर से हो जाता है। क्या नाम होगा? हमारा भगड़ू प्रजापति। इलाज करने के आते हैं कि जरा मतलब रोग दुख होता है, जब डॉक्टर से घूम जाते हैं तो आते हैं, मतलब किस तरह का रोग दुख होता है लोगों? उनको लहर, ज्वाला, दर्द, शक्कर, सपन है, घुमरी, चलिए कि ये सब कारण होता है, जर बुखार वो है। किस तरह से इलाज करते हैं लोग? है? किस तरह से कैसे इलाज करते हैं? अब कैसे करते हैं, देखते हैं कि हम मतलब कहाँ है, हम महारानी के ध्यान में निहारे, महारानी बुराली उनका ध्यान लगा कि इनको हम झार रहे हैं, हे महारानी इनको सुख दीजिए, तो रो आधा पर से चाके सेवन करें। कहाँ कहाँ से लोग आते हैं आपके पास इलाज कराने? है कहाँ कहाँ से, मतलब कितना दूर दूर से आते हैं लोग? दूर से मतलब कहा है अच्छे से। क्या नाम आपका? मेरा नाम है कमल सिंह। हमारे परिवार का तबीयत खराब था। किस तरह का तबीयत खराब था? और तो वही के लिए है कि कोनो का जर बुखार लगा है, प्रेत बाधा होता है। हाँ, तो यहाँ कितने वर्षों से आ रहे हैं कि पहली बार आए? 3 बार से आ रहे हैं। 3 बार से आ रहे हैं। क्या आते हैं यहाँ आने, इलाज होने के बाद कैसा रहता है? हमको ठीक है। क्या यहाँ आने के बाद क्या लगता है आपको, कैसा महसूस? ठीक है परिवार, तो उसको परिवार का हम ठीक बताएंगे और क्या कहेंगे। क्या नाम आपका? मेरा नाम मोहन पड़ेगा। हम लोग का यही समस्या है कि यहाँ देवी धाम आने के बाद हम लोग का हर समस्या का दूर हो जाता है, इन्हीं को मान के हम लोग समझ देंगे, चलिए माता रानी भी आते हैं, समस्या का हम लोग का हल कर देती है, यही समस्या है। किस तरह की समस्या है लोग का, मैंने क्या प्रेत बाधा है क्या है? जैसे हम लोग का है कि प्रेत बाधा भूत धर लेता है, तो माता रानी के पास आने के बाद समस्या का दूर हो जाता है, समस्या के माता रानी ने हल कर देती है, यही सब हम लोग इन लोग का पूजन करते हैं। कहाँ से आ रहे हैं आप? हम लोग सासाराम से आए हैं, रोहतास जिला से। कितने वर्षों से आ रहे हैं? ऐसे तो यहाँ आने के लिए 5-6 बरस से हम लोग आते रहे हैं, और 5-6 बरस में हम लोग का कल्याण होता है, इसीलिए इनको मान जाते हैं कि भाई माता रानी के पास हम लोग का समस्या का हल हो जाता है। शशि बिन। अगर पलामू के हैदर नगर में इस तरह के हालात जो दिखाई पड़ रहे हैं वो हमें सोचने के लिए मजबूर करते हैं, क्या सच में इस तरीके की चीज़ें हो सकती है? आप भी सोचिएगा ज़रूर। ऐसी खबरों के लिए बने रहे सबरंग समाचार के साथ। कैमरा पर्सन दीपक के साथ लीजा सबरंग समाचार।